जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो फिर उस बॉडी का मोशन किस तरह का है उसे समझने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जो कि होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। हम पोजीशन टाइम ग्राफ को देख करके ये बता सकते हैं कि बॉडी का मोशन किस तरह का है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, और यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो अगर मान ले कि यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह से, जो कि यहां पर ये जो टाइम एक्सिस है इसके साथ पैरेलल है। तो यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है देखें। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है ये टाइम इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो जब टाइम इक्वल टू जीरो है तो उस समय बॉडी का जो पोजीशन है वो यहां पर है, बॉडी यहां पर है इस जगह पर। तो फिर कुछ समय बाद जब टाइम इतना हो गया तो आपने देखा कि बॉडी का जो पोजीशन है वो अभी भी वहीं पर है, इसी जगह पर है, और कुछ देर बाद आपने देखा तो भी बॉडी का पोजीशन वहीं पर दिख रहा है, इसी जगह पर बॉडी है। तो समय के साथ इस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पोजीशन में है ये बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो बॉडी है ये मूव नहीं कर रहा है, बॉडी यहां पर रेस्ट में है। सो अगर इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन हो जो कि टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो फिर वहां पर जो बॉडी है वो रेस्ट में होता है। तो यहां पर ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, मोशन नहीं हो रहा है बॉडी में। तो जब बॉडी रेस्ट में होगा तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, सो वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकेंड होगा। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो तो फिर एक्सीलरेशन भी यहां पर जीरो ही होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब जीरो है, वेलोसिटी है ही नहीं तो चेंज इन वेलोसिटी का तो कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सवाल ही नहीं है। सो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा इस तरह के केस में। अब एक और सिचुएशन देख लेते हैं। तो मान ले कि यहां पर ये जो एक्सिस है ये पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये जो एक्सिस है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे प्लॉटेड है, मान लेते हैं कि ग्राफ जो है ग्राफ यहां पर कुछ ऐसे प्लॉटेड है कुछ ऐसे। तो यहां पर ये भी देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है और ना ही पोजीशन एक्सिस के साथ पैरेलल है, बल्कि ये कुछ इस तरह से है, ये झुका हुआ है थोड़ा सा। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये देखिए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जब भी इस तरह का स्ट्रेट लाइन आपको दिखे तो यहां पर देखे तो समय के साथ बॉडी का पोजीशन तो चेंज हो रहा है। अगर आप अभी देखते हैं जब टाइम इक्वल टू जीरो है तो बॉडी का पोजीशन यहां पर है, फिर कुछ देर बाद आप देखते हैं तो बॉडी का पोजीशन कुछ इतना है, फिर कुछ देर बाद आप देखते हैं तो बॉडी का पोजीशन यहां पर है। सो पोजीशन तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी में है, मतलब कि इस बॉडी में एक वेलोसिटी है, ये रेस्ट में नहीं है। तो यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर जब इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है तो जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप है वो इंडिकेट करता है वेलोसिटी को, मतलब कि ये जो ढलान है वही इंडिकेट करेगा वेलोसिटी को। तो हर जगह पर देखें तो जो चढ़ाई है जो ढलान है वो बराबर है, सेम है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो कैसे कि मान ले कि यहां पर आपने दो पॉइंट कंसीडर किया, सो यहां पर आपने दो पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट में अगर आप देखें तो जो टाइम है वो अगर इतना है और इस इतने टाइम में ये जो टाइम इंटरवल है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कुछ इतना हुआ इतना, तो फिर यहां पर देखें तो पोजीशन चेंज हुआ, इतने समय में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कुछ इतना हुआ है, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है वी वन मान ले। अब अगर हम जो है इसी तरह से कहीं पर और दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, चलिए हमने यहां पर जो है दो पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट यहां पर और दूसरा यहां पर, जो टाइम इंटरवल है वो बराबर है। तो यहां पर जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल वो कुछ इतना है, इतना टाइम इंटरवल है।
अब यहां पर जो है जो टाइम इंटरवल है वो यहां से लेकर के इतना है जो कि इस केस में था, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इतना हुआ है। तो यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है इस डिस्प्लेसमेंट के, तो बराबर समय में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है। अगर हम यहां पर ये जो वेलोसिटी है इसे नाम दे देते हैं कि ये वेलोसिटी है यहां पर v2, तो आप ये पाएंगे कि चूंकि बराबर समय में बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी सेम रहेगा। तो यहां पर ये जो v1 है, ये जो v1 है ये बराबर होगा v2 के, सो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ध्यान में रखें कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, सो वेलोसिटी पॉजिटिव है और साथ ही साथ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सीलरेशन का क्या होगा? देखिए हमें पता है कि ये जो एक्सीलरेशन होता है, ये जो एक्सीलरेशन होता है ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के, दैट मीन ये बराबर होता है v2 जो कि है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सो t2 माइनस t1 के। तो चूंकि यहां पर v1 बराबर है v2 के, तो यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहां से ये कह देंगे कि जो एक्सीलरेशन होगा ये एक्सीलरेशन 0 होगा। अब एक और केस कंसीडर कर लेते हैं जो कि यहां पर मान लेते हैं कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है, यहां पर ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ये पोजीशन को, और यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और जो ग्राफ प्लॉट है वो ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट है, कुछ ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या बता रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखें तो यहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटता जा रहा है। अभी टाइम इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो यहां से लेकर के यहां तक है, फिर कुछ देर बाद आपने देखा तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ यहां पर है, फिर कुछ देर बाद आपने देखा तो यहां पर जो है ये डिस्प्लेसमेंट कुछ यहां पर है, इतना है यहां से लेकर के यहां तक है। तो लगातार समय बढ़ते जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है, अर्थात जो बॉडी है वो यहां पर ये जो रेफरेंस पॉइंट है अर्थात जो ओरिजिन है उसके करीब आ रहा है। तो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट घटते जा रहा है, इसीलिए यहां पर जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगा लेकिन ये निगेटिव रहेगा, सो यहां पर ये निगेटिव होगा वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। तो जब भी वेलोसिटी निगेटिव हो और कांस्टेंट हो तो इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस पॉइंट के करीब आ रहा है, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ध्यान रखें कि वो रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है। अब एक और जो है जनरल केस कंसीडर करेंगे वो ये है कि सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं कि यहां पर ये जो एक्सिस है, चलिए ये जो एक्सिस है ये तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन को, और यहां पर ये जो एक्सिस है यहां मुझे एस लिखना चाहिए जो कि पोजीशन है, मैं वेलोसिटी को इंडिकेट कर दिया। तो यहां पर ये जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर ये जो एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। और जो ग्राफ प्लॉट है, ग्राफ जो प्लॉट है वो ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉटेड है, कुछ यहां पर ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ये एक कर्व है, ये कुछ ऐसे प्लॉटेड है। तो अब तो यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, अब तक क्या हो रहा था? अब तक हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। यहां पर देखिए तो समय के साथ जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, तो पोजीशन तो चेंज हो रहा है इसका मतलब कि वेलोसिटी तो है, लेकिन क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है? नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट का वेलोसिटी पता करना चाहें, इस पॉइंट का, तो हमें क्या करना है? हमें यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, सो यहां पर हमें कुछ इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है वो इंडिकेट करता है कि यहां पर वेलोसिटी क्या है। अगर हम इसी तरह से यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट का, अगर हमें वेलोसिटी पता करना है तो यहां पर हमें जो है यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट कुछ ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है, इसका जो स्टीपनेस है वो इंडिकेट करता है वेलोसिटी को।
तो चूंकि इसका जो स्लोप है, यहां पर जो चढ़ाई है वो ज्यादा है और यहां पर चढ़ाई कम है, तो इसका मतलब है कि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा और यहां पर वेलोसिटी कम होगा। सो लेट अस से अगर मान लेते हैं कि यहां का जो वेलोसिटी है ये है वी टू, यह है वी टू, और यहां का जो वेलोसिटी है यह है, यह है वी वन। तो चूंकि यहां पर चढ़ाई ज्यादा है तो यहां पर ये जो वेलोसिटी वी टू होगा, ये जो वेलोसिटी वी टू होगा, ये वी टू ये बड़ा होगा वी वन से, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, देखें यहां पर ये जो एक्सीलरेशन है वो बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में इस फार्मूले से देखें तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वी टू ये बड़ा है इनिशियल वेलोसिटी से, इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। तो यहां पर ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो एक्सेलरेशन होगा ये पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव रहेगा। अब एक और केस कंसीडर करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर ये मान ले ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये टाइम को और यहां पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ग्राफ प्लॉट है, जो ग्राफ प्लॉट है वो ग्राफ यहां पर मान लेते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट है। चलिए ग्राफ मान ले कि यहां पर ग्राफ, ये ग्राफ कुछ इस तरह से ये प्लॉटेड है कुछ ऐसे। समय के साथ इसका जो स्लोप है वो घटते जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में चढ़ाई जो है वो बढ़ता जा रहा था, मतलब स्लोप बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर स्लोप घटते जा रहा है। तो अगर हम दो पॉइंट यहां भी कंसीडर कर लें, अगर हम यहां पर भी दो पॉइंट कंसीडर करें, तो मान ले कि यहां पर एक पॉइंट यहां पर मान ले कि ये है, ये एक पॉइंट, और दूसरा यहां पर ये एक पॉइंट है। तो अगर हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, सो यहां पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें कुछ ऐसे, यहां पर जो टेंजेंट है मैं थोड़ा इसे और मोटा ड्रॉ करूं, तो यहां पर ये रहा वो टेंजेंट इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, और यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये होगा यहां का टेंजेंट। तो अभी जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट है वो उसका जो चढ़ाई है वो यहां पर ज्यादा है और यहां पर, माफ कीजिएगा, यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है, इस जगह पर जो चढ़ाई है वो ज्यादा है और इस जगह पर चढ़ाई कम है। तो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो चढ़ाई है, जो स्लोप है वो घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर यहां का वेलोसिटी जो है मान लेते हैं कि यह है वी वन और यहां का जो वेलोसिटी है ये मान लेते हैं कि यह है v2, तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो v1 होगा, इस केस में ये जो v1 होगा ये बड़ा होगा v2 से। क्यों, क्योंकि यहां पर स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम है, यहां पर स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब यहां पर देखें तो अगर इस फार्मूले से v1 जो है ये बड़ा है v2 से, सो इस हिसाब से, इस फार्मूले से देखें तो जो एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन होगा यहां पर, ये एक्सेलरेशन यहां पर निगेटिव होगा, यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो यहां पर ये तो रहा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब अगले वीडियो में जो है हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता करेंगे।